सारे क्या पता नहीं, देखी नहीं मैंने, पर इतना पता है फ्रेंडशिप डे है। क्या हुआ? तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, वीडियो बनाई गाड़ी गाड़ी बात सुनो, और तू मेरी बनाएगा फिर रिटर्न में। गाइस वी आर रेडी टू गो फॉर द ट्रिप वृंदावन। सभी तो आज है संडे और आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। ऐसा कुछ डिसाइड तो नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, बट इतना तो कंफर्म है कि हाँ दो तीन जगह है वहाँ पे घूमने का हमने सोचा है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और दोपहर का टाइम है जहाँ निकलने के लिए बाहर ट्रैवल पे। तो ये मैंने ड्रेस पहनी हुई है, इट्स अ कुर्ती। यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, है ना लक्की? लक्की कहाँ जा रहे हो आप घूमने? ठीक है, लिफ्ट में एंट्री हो चुकी है। भैया आपने क्या बनाया फ्रेंडशिप डे पे? ये ठाकुर जी की फोटो लगाई है। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मौसम काफी अच्छा है ना? हाँ। सब लोग बैठे हुए हैं और अभी हम वैसे की रिंग बड़ी अब आगे बैठ गए। चुके हैं पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। आज का मौसम देखा जाए तो बहुत अच्छा है, तो अभी अच्छी चल रही है। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आज का मौसम तो ना कमाल का हो गया था, चार चांद लगा दिए थे आज के मौसम ने सफ़र में। और जब सफ़र अच्छा हो ना और मौसम भी अच्छा हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसी से होती है हमारी वृंदावन में एंट्री। ये है यमुना मैया, आप इनके दर्शन कर लीजिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और अभी भी लोग परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। तो ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इतनी धूप थी यहाँ पर, क्योंकि मौसम सडनली चेंज हो गया, धूप आ गई, फिर भी लोग परिक्रमा कर रहे थे। यहाँ पर जब हम बंसी बटाए तो वहाँ पर वो क्लोज मिला हमको, तो हम फिर यहाँ पर इस्कॉन मंदिर के सामने आए, जो इस्कॉन मंदिर भी बंद था। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी देर ठहरने के बाद हम गए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं, अभी कुछ खाना पीना खाने की सोच रहे हैं हम, और ड्रेस लगे हुए हैं, कुछ खा लो टिक्की पड़ा के। अम्मा खा लो, क्या देख रही हो? ये छतरी है, आई कैन बिलीव ये इतनी छोटी। वाओ इट्स सो क्यूट, ले ले क्या एक, ये ले क्या ये वाले क्यूट से। इससे बड़े भी हैं आप? इतना ज़रा थोड़ा सा साइड वाइड हो। हाँ पसंद आया कुछ? अच्छा चौपाटी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अगर आप सब लोग भी आते हैं मथुरा वृंदावन तो चौपाटी बहुत फेमस है। यहाँ पे मिलता है हर तरीके का खाना और अब तो चाइनीज़ भी मिलने लगा है। तो अगर आप शौकीन हैं अच्छे खाने के तो चौपाटी को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कुछ खाना पीना हो जाए। तो हम लोग पहुँच गए हैं जन्मभूमि, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकती। तो अभी हमने कर लिए दर्शन और हम सीधे जा रहे हैं घर के लिए। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा सफ़र आज का। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जन्मभूमि या अगर संडे को जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी, और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बंदरों का तो पूछो ही मत, एक व्यक्ति का मेरे सामने बंदर ना थैला चुरा कर ले गए। तो बंदरों से तो बिल्कुल सावधान रहिए अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बंदर एक मिनट में छीन के भाग जाते हैं और फिर उनको पकड़ना पड़ता है। तो अगर अपने सामानों को सुरक्षित चाह रहे हो तो अपने सामानों को सही से रखो, बंदरों से बचा के रखिए। तो यही था आज तक का सफ़र। और रास्ते में जाते समय यहाँ पर हो गई थी तेज़ से बारिश, जो कि काफ़ी
तरह आज के सफ़र को अच्छा बना रही थी, सुंदर और लुभावना बना रही थी। तो ये आज का था ब्लॉग, मुझे बहुत मज़ा आया और आप सबको भी आशा करती हूँ ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए ब्लॉग में। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए। बाय बाय।